अरे धीरे धीरे लेके चला जा भैया भैया, इधर देखा है खाते नजर आओ। टमाटर लगा वाले नहीं आए, ढेर भी आते हैं। नहीं जाना दो तीन दिन रात दूर है ना। चाहे जमीन में लगाइए चाहे चढ़ा के करिए, दोनों में होगा। कंपनी के तत्वाधान में हम लोग आए हैं यहाँ पर। कंपनी का नाम है क्लाउड HM क्लाउड। पहले क्लाउड था, क्लाउड को बाद में अमेरिका की कंपनी फ्रांस की कंपनी के बारे में सबसे पहले जानिए। ये कंपनी किसानों की कंपनी, अच्छा है, ये किसी सेठ साहूकार की नहीं है, ये किसान की कंपनी है। 83 किसान जैसे आप सब हैं, चार छह लोग इकट्ठा होकर उन्होंने इसकी शुरुआत की। पहले फ्रांस से स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने यहाँ पैदा करके अपने यहाँ बेचना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैलते कि हमारे जहाँ भी किसान भाई हैं उनको अच्छे बीज पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ ये कंपनी आगे बढ़ी कि हमारे किसानों के लिए अच्छे बीज जाए। इसी वजह से ये कंपनी अपने इनकम का 75% केवल वो बीज तैयार करने में खर्च करती है। 25% में हम लोग इम्प्लाई बचे, इसीलिए इसके बहुत कम है। मैं अकेला यहाँ से 7 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। मेरा नाम है जय सिंह और विगत 2012 से मैं इस कंपनी में आया हूँ। 2012 से मैं इस कंपनी में जो कार्य क्षेत्र एरिया है इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, इधर आपका बांदा, चित्रकूट, इतना एरिया मैं घूमता हूँ अकेले मोटरसाइकिल। और मैं कहीं जल्दी बाहर का नहीं रहने वाला, आपके बीच का रहने वाला। मेरा घर पूरा उसके थाना मोबाइल नंबर का घर है, फतेहपुर घाट का मैं रहने वाला हूँ। विगत 15 वर्षों से मैं नैनी में अपना आवास बना लिया, नैनी में। बाकी मेरे परिवार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं से पढ़ाई किया, इसके बाद इस कंपनी में। ये हमारा बैकग्राउंड है। अब ये कंपनी का बैकग्राउंड है कि ये किसानों से शुरू हुआ सबसे पहले, और आगे तो ये टमाटर में आए। तो टमाटर इनका अंडाकार टमाटर चलता था महाराष्ट्र, अलंकार नाम से है वो, तो अंडाकार बोले में टमाटर हमारे पास नहीं था। इनसे हम डिमांड करते थे कि हमारे एरिया में देसी गोला लगता है, गोले में चाहिए। तो कहते 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 तब इन्होंने टमाटर 3 साल पहले हमको दर्शन
आपके बीच में है, लगा 3 साल पहले की वैरायटी। तो ये टमाटर आया, टमाटर के साथ एक और इन्होंने दाना बेच और ये टमाटर, ये 10 टमाटर है, मई जून से स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा मार्च अप्रैल मई तक जाएगा, पौधा बना रहेगा, पौधा अगर ऊपर से सूखेगा फिर कल्ला लेकर चलेगा, लेकिन टमाटर एक भी ढीला नहीं होगा, टमाटर एक भी ढीला नहीं होगा, टमाटर में ये खूबी है। ये जाएगा अप्रैल तक जाएगा। बस क्या है कि आप तुड़ाई करिए, फिर इसमें खाद पानी दे देंगे और सेवा करेंगे, पौधा बना रहेगा, कल्ला लेकर पिछले गा भी आप देखेंगे कि जो पौधा ऊपर से सूख गया नीचे से फिर कल्ला लेके चलेगा, वो फिर आपको फरवरी में सब फ्लावरिंग आ जाएगा, फरवरी मार्च में सब फूल में आ जाएगा। और इस टमाटर में खूबी है कि टमाटर छोटा आपको बहुत कम तेजा मिलेगा, शुरू से अंत तक आप देखिएगा आपको छोटा साइज नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा 60 ग्राम से ऊपर रहेगा, नीचे का टमाटर रहेगा। और शुरू में स्टार्टिंग देखेंगे ये 90-100 ग्राम 110 ग्राम 120 ग्राम तक, भैया उसने बोला क्षमता बहुत क्षमता होगी। आप टमाटर देख रहे हैं इस समय झुलसा रोग लगा है, जाके देखेंगे बाकी का टमाटर एकदम, लेकिन यहाँ देखेंगे एकदम आपको हरा भरा, इसमें वो रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा, रोग से लड़ने की क्षमता है, अगर मौसम उतार चढ़ाव हुआ तो सहने की, पता चला कोरोना के इलाज ही नहीं, हमारे पास दवा नहीं, दवा बनाने में 3 साल समय लगा, 3 साल का समय दवा बनाने में लगा, उसी तरह फसल को अगर कोई नया वायरस अटैक हुआ तो पता चला उसका दवा नहीं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मूली में एक रोग लगा, मूली में रोग आया उसका दवा नहीं मिला, कोई कुछ डालना है, कोई कुछ डालना है, कोई कुछ, लेकिन उसका परफेक्ट दवा नहीं है, ये नया रोग है, और जो पुराने रोग हो गए उसमें लड़ने की क्षमता है, उस पर दवा भी बन गई और जो सीड भी बन रहा है, सीड में वैज्ञानिक को एक सीड निकालने में, जैसे इस टमाटर को निकालने में मिनिमम कम से कम 7 साल का समय लगता है एक वैरायटी निकालने में, जो वैज्ञानिक निकालते हैं तैयार करते हैं, एक वैरायटी को तैयार करने में कम से कम 7 साल का समय लगता है, तब वो वैरायटी मार्केट में आता है। अब आप आज लगाए कह दीजिए कि आज ही दे दें सपोर्ट, जो आज आपको मिल रहा है आप उस बीज को समझिए कि ये बीज 7 साल पुराना है, अब उस 7 साल के दौरान में फिर उसको लगने में 3-4 साल 5 साल का समय लगेगा, 4-5 साल का समय लगेगा, इसका भी इनकी जिंदगी है उसकी, एक महीना उसको तैयार होने में लग जाता है, एक महीना निकलता है बस खत्म। अब उस सबसे अर्ली हुआ, आप उतना अर्ली उसको खाद पानी जो भी करना है आपको पौधा तैयार करना, नहीं वो अपने समय पे आएगा, नहीं पानी लगा रहा है ना याद रखो जाग लो, चलो जा फोटो खींचो तो
रखे रहिए आप So guys, चलो टमाटर में सब लोग देख लिया। अरे यार 4 किलो 5 किलो खाई नहीं है। भैया खाते नजर आओ ठीक है। छोटू बस करो चलो नुकसान ना करो। अब आप लोगों ने देखा इनका खेती करने का तरीका क्या था। ये तरीका होना चाहिए। इसमें आपको क्या फायदा है, एक भी टमाटर आपका सड़ेगा गलेगा नहीं। और दूसरी चीज जो आपको प्रोडक्शन है ये बचेगा, कोई फल इसमें खराब नहीं होगा। सारे फल आप मार्केट में बेच सकते हैं, फेंक नहीं सकते। आप यहाँ पे देख लीजिए कहीं एक टमाटर पड़ा नहीं मिला, एक भी टमाटर नहीं दिख रहा। 12-14 कैरेट में अभी समझे क्या 4 का 10 किलो बाकी और जगह जहाँ टमाटर लगा है वहाँ देखेंगे तो वहीं पर टमाटर फेंका पड़ा मिलेगा। इसलिए कि कितना सड़ गया गल गया दागी पड़ा, लेकिन इसमें हम कहेंगे थोड़ा से दूरी ज्यादा है, थोड़ा दूरी और कम होती। हाँ, वो चीज तो प्रोडक्शन थोड़ा से और बढ़ा। तो बात बहुत भाई, जब तक आदमी कदम नहीं बढ़ाएगा वो सीखेगा नहीं, जब आदमी कदम बढ़ाएगा तभी सीखेगा। अब इनको देख कर अगर आप लोग ना सीखे तो हम समझते हैं कि फिर मतलब नहीं है इनका करने का। फोन आई है भाई, पूछिए खाया कि नहीं तो बताए कि खाया। अरे ये कितने क्विंटल लगा है, मैं गोते हैं फिर मंगवा दो बताइए। ये हमारे तरफ से सप्रेम भेंट है, किसान टमाटर वाले।
गाइस, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो टमाटर के बारे में पूरी जानकारी बता दिया गया है आपको। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर हम ऐसे ही अगली वीडियो में आपको मिलते हैं।